आई एम योगिता कपूर, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बना रही हूँ पालक कोफ्ता। उसके लिए मैंने पालक को पहले उबाल लिया है, फिर पीसा है। ये पिसा हुआ टमाटर, ग्रेट किया हुआ पनीर, उबला हुआ आलू और पिसा हुआ प्याज, कॉर्नफ्लोर, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, रिफाइंड नमक, जीरा एंड मिर्च। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं यूज कर रही हूँ, ये कोफ्ता मसाला, केट्स कोफ्ता मसाला। तो हमें ये सारे मसाले हैं जिसमें से मैंने चूज किया है कोफ्ता, और जो मैंने यूज करके देखा है केट्स मसाले अलग ही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि अलग कैसे हैं। फ्राई पैन में रिफाइंड डालेंगे, और फिर ये पालक जो मैंने पिसा हुआ उबला हुआ जो पालक है वो डालेंगे, और इसे इतना सुखाना है कि जैसे हलवे की तरह होता है ना कि एकदम कढ़ाई को छोड़ दे सारा, वैसे ही अब इसे पकने देना है इसके अंदर ऑयल में। देख रहे हैं ये बिल्कुल सूख चुका है, इसका जितना भी पानी था पालक का, और ये अलग हो रहा है। अब हम इसे गैस बंद करेंगे और 15-20 मिनट तक इसको ठंडा होने के लिए कोफ्ता तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आलू थोड़ा सा और पनीर जो हमने कोफ्ते में डालना है जितना भी, मैं सिर्फ ये हम जितना बैटर मैं बना रही हूँ उसमें 4-5 कोफ्ते मेरे बन जाएंगे, और थोड़ा सा कलर के लिए जो मैंने पालक रखा था बना के, जस्ट कलर के लिए मिक्स करना, थोड़ा सा नमक, मिर्च, और मेरा ये किचन किंग मसाला, थोड़ा सा किचन किंग मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए और ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। एक चम्मच बहुत है, एक छोटा चम्मच। जो पालक लिए मैंने, अब इसमें मैंने थोड़ा सा ऐसे टिक्की जैसा बना लेना, और इसमें ये जो पेस्ट बनाया मैंने ये डम जो है इसमें डाल के और इसे बंद कर देंगे। जो अब गर्म हो गया और कोफ्ता रेडी हो गया, अब इसमें हम कोफ्ते डालेंगे। रेडी कढ़ाई रखी है और इसमें हम रिफाइंड डाल रहे हैं, और रिफाइंड गरम हो जाएगा थोड़ा, हो चुका है। इसमें मैं जीरा डाला और प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए जब तक भूनते हैं। मसाला भून चुका है, अब इसमें मैं डालूंगी केक्स का मसाला, किचन किंग मसाला। थोड़ा सा अच्छा खुशबू आएगी, टेस्ट अच्छा आएगा। अब ये मैं डाल रही हूँ कोफ्ता मसाला,
और मैंने इसे पहले भी यूज किया भी, बहुत ही अलग से इसका स्वाद आता है। अगर यकीन नहीं है तो यूज करके जरूर देखना, बिकॉज जब से मैंने यूज करना शुरू किया है मुझे कोई और मसाला अच्छा नहीं लगता। बहुत ही एक अच्छी सी खुशबू आ रही है मसाले की। मसाला तैयार है, अब मैं पानी डाल रही हूँ, हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। और मतलब जो फ्रेग्रेंस दे रहा है ना, मतलब पूरे जैसे कि एकदम खड़े मसाले और उसे पीस के हम जब डालते हैं वो जो खुशबू आती है ना, वो खुशबू आ रही है इसमें। शुरू हो गया, और अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। इसमें मैं कोफ्ता डाल रही हूँ। कोफ्ता इज रेडी। अब मैंने एक क्रीम लिया, आप चाहे तो इसमें मलाई भी ले सकते हो, और इसे जस्ट अच्छा सा एक लुक देने के लिए। केट्स मसालों की खुशबू होगी जहां, खाने को दिल ललचाएगा वहां। बो एपेटाइट।